ऑल राइट गाइस, सो आज की हमारी जो सी एस आई आर प्रॉब्लम है जो कि दिसंबर 2012 में पूछी गई थी, उसमें ये था कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द फेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक्स एंड वाई आर राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट दिया गया है जिसको आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 मीन्स 4 पाई सिस्टम्स का कोई रिएक्टेंट दिया गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कोई एक्स एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है, जिसको वाई कंडीशन देने पर वो आपका एज अ फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। देन फाइंड दिस एक्स एंड वाई, वाई कंडीशन आप अलग अलग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह से दी गई है राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम जो है इस रिएक्टेंट को ड्रॉ करते हैं। लाइक आपका रिएक्टेंट कुछ इस टाइप से है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देर इज पी एच, देर इज एसिड ग्रुप राइट। अब इस रिएक्शन की जो कंडीशन दी गई है वो कौन सी है, वो आपके हैं इन पत्थर आपके हीट दी गई है राइट। तो अब देखो जरा यहाँ पे एक बेसिकली एक चीज़ आप देखो कि इसमें आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स है राइट। यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड्स है, इसमें ये कौन सा सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम है राइट। ये कौन सा सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम है। प्लस यहाँ पे जो थर्मल कंडीशन अगर देंगे तो वहाँ पे कौन सा रोटेशन होगा, एज अ कौन रोटेशन होगा। अब देखो कौन रोटेशन जो होता है, तो कौन रोटेशन में आपको पता होना चाहिए, एक सिंपल सी ट्रिक है कौन रोटेशन के लिए। वो ट्रिक ये है कि यहाँ पे आप सी जो आप देख रहे हो ना, तो सी देख रहे हो, मतलब सी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर कौन रोटेशन है, चाहे वो 4 पाई में हो या 6 पाई में हो, कौन का सी, सी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा राइट। तो सबसे पहले अपन इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेकआउट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज बताई गई है, तो अपन इसको अगर इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग अगर अपन चेकआउट करें, तो आप देखो जरा, इसको मैं अलग पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखो जरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरह से राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दो राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक अपन इसको ई बोल सकते हैं, और इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा ये है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ई बोल सकते हो राइट। तो ये दोनों ई ई है, इट मीन्स ये दोनों क्या है, किस फॉर्म में है आपका, सिस फॉर्म में। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो चेंज होकर किस में हो जाएगा, आपका एज अ ट्रांस में हो जाएगा राइट। और अगर यहाँ पे बॉन्ड माइग्रेशन के बारे में बात करूँ, तो ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, और कुछ इस तरह से यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा राइट। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ तरह से मिलेगा। सबसे पहले अपन तो 8 मेंबर रिंग बना देते हैं। यहाँ कुछ 8 मेंबर रिंग आ गई, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है राइट। और यहाँ पे आपका जो 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 आपको स्टीरियो केमिस्ट्री मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो ट्रांस मिलेगी राइट। तो ट्रांस मिलेगी, इट मीन्स सपोज ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे सी ओ ओ एच, और यहाँ पे मैं इसको वैज पे शो कर लेता हूँ, इसको फिनाइल ग्रुप को, डैश पे आपका सी ओ एच ग्रुप है राइट ये। तो अब अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, ऑप्शन में जो है कुछ ऑप्शन पे यू पे एलिमिनेट हो जाएंगे, आप देख सकते हो ये जो है सीस फॉर्म में थी, ये एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, ये भी जो है ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा राइट। तो अब आपके ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में से कोई सा एक हो सकता है। अब आपको चेक करना है एज अ वाई मीन्स इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। देखो कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती है, या तो फोटोकेमिकल में डिसरोटेशन हो सकता है, या थर्मल में डिसरोटेशन हो सकता है राइट। तो अब आप देखो जरा कि ये जो है ये आपका ट्रांस है राइट, ये आपका क्या है, ट्रांस है। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी क्या है, ट्रांस है। इट मीन्स आपका जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स जो है उसकी जो स्टोकेमिस्ट्री जो है सेम है किसके, एज अ प्रोडक्ट के। मतलब चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ तो वो वहाँ पे कौन सा रोटेशन होगा, डिस होगा, क्योंकि कौन का सी, सी का मतलब चेंज होता है। अब देखो दोनों में डिस है, तो इस पर्पज़ पे तो अपन इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको चेक करना है कि ये कौन से सिस्टम से हुआ है, मीन्स ये जो है कौन से कंडीशन से होगा, थर्मल से होगा या फोटोकेमिकल से होगा राइट। तो अब आप देखो ये जो है प्रोडक्ट किस तरह से बना होगा, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। लाइक अगर ये जो बॉन्ड है, अगर यहाँ ट्रांसफर हो गया होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये बॉन्ड कुछ यहाँ ट्रांसफर हो गया होगा, तब जाके ये होगा। तो यहाँ पे देखो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 6 पाई जो है बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं राइट। मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और 3 पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और 6 पाई में डीस कब आता है, तो वो आपके आता है थर्मल कंडीशन में राइट। 6 पाई में डीस कब आता है, थर्मल कंडीशन। तो 6 पाई सिस्टम प्लस थर्मल कंडीशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका एज अ डिस रोटेशन हो जाएगा राइट। और डिस रोटेशन में स्टोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।